भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ। भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आजाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब भगत सिंह केवल 12 वर्ष के थे। भगत सिंह क्रांतिकारी किताबों को पढ़कर सोचते थे कि इनका रास्ता सही है या नहीं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन छिड़ने के बाद वे गांधी जी के अहिंसात्मक तरीकों और क्रांतिकारियों के हिंसक में से अपने लिए रास्ता चुनने लगे। उन्होंने जुलूसों में भाग लेना शुरू किया और क्रांतिकारी दलों के सदस्य बने। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नामक पार्टी की स्थापना की। भगत सिंह यद्यपि रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, परंतु वे वामपंथी विचारधारा को मानते थे। यद्यपि वे समाजवाद के पक्के पोषक भी थे। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान लेख लिखकर अपने विचारों को व्यक्त किया। आज भी उनके द्वारा लिखे गए लेख उनके विचारों को व्यक्त करते हैं। आज भी भारत की जनता भगत सिंह को आजादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिसने अपनी सारी जिंदगी अपने देश के लिए समर्पित। 20 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा IPC की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठों का निर्णय दिया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की। 17 फरवरी 1931 को महात्मा गांधी ने फांसी की सजा माफ करवाने के लिए वायसराय से बात की। 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से विभिन्न तर्कों के साथ सजा की माफी के लिए अपील दायर की। भगत सिंह यह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ की जाए। 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी के बाद कोई आंदोलन न भड़के इसके डर से अंग्रेजों ने उनके मृत शरीर के टुकड़े किए और फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर ले गए और मिट्टी के तेल डालकर इनको जलाया जाने लगा। लेकिन कुछ गांव वालों के द्वारा देखे जाने के बाद अंग्रेज वहां से भाग खड़े हुए और गांव वालों ने उनके मृत शरीर के टुकड़े को एकत्र कर उनका दाह संस्कार किया। इस प्रकार देश के लिए अपने जीवन को समर्पित कर भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए।